नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, अक्सर महिलाएं पीरियड आने वाले डे या उसके आसपास के दिनों में काफी ज्यादा कंफ्यूज रहती हैं कि मुझे जो सिम्टम्स फील हो रहे हैं वो पीरियड के हैं या फिर प्रेगनेंसी रुक गई है, और ये एक बहुत ही ज्यादा असमंजस का विषय होता है। और इस दौरान आपको काफी ज्यादा जानने के लिए कोशिश रहती है या इच्छा भी होती है। तो दोस्तों, अगर आप प्रयास कर रहे हैं और हर महीने इन बातों का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, तो पीरियड आने से पहले आप ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपको पीरियड आने वाले हैं या फिर प्रेगनेंसी रुकी है, क्योंकि PMS एक ऐसा प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स होता है जिसमें कि क्या होता है फ्रेंड्स, कि आपकी रिलेट करती हैं प्रेगनेंसी से जुड़े हुए कुछ ऐसे लक्षण जो पीरियड में भी दिखाई देती हैं और प्रेग्नेंट होने पे भी दिखाई देती हैं। बस एक छोटा सा अलग अंतर होता है जो मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ, जिससे कि आप बहुत इजीली समझ जाएंगे कि पीरियड के लक्षण हैं या फिर प्रेगनेंसी रुक चुकी है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना फ्रेंड्स, ताकि आप एक भी पॉइंट को मिस ना कर पाएं, अच्छे से वीडियो समझ पाएं और अच्छे से पूरी जानकारी भी ले पाएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार आप चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि आप ऐसे ही और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन को डेली प्राप्त कर पाए। देखिए फ्रेंड्स, जब कोई महिला गर्भधारण कर लेती है या फिर आप गर्भधारण की ट्राई करते हैं, तो ओवुलेशन के दौरान भी कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा तेजी से बढ़े हुए होते हैं, क्योंकि ओवुलेशन एक ऐसा चरण होता है जो हर महीने महिला के शरीर में होता है और हर महीने आपको गर्भधारण के लिए तैयार करता है। अब जब आपका पीरियड आने का डे होता है या फिर उसके आसपास उसके पहले ही आपको कुछ सिम्टम्स फील हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे मेजरेबल सिम्टम्स होता है पेन की शिकायत होना। बहुत सारी महिलाओं को दर्द महसूस होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, PMS यानी पीरियड आने के पहले आपको बहुत इंटेंस पेन होता है, तेज दर्द होता है पैर में, जांग में, कमर के एरिया में, पीठ में, कई सारी महिलाओं को पूरे शरीर में रहता है, बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, और उसके बाद आपके पीरियड्स आते हैं। तो ये तो हो गए पीरियड के सिम्टम्स कि आपको ऐसा दर्द है तो पीरियड आएगा। बट फ्रेंड्स, अगर इसी के विपरीत आपको जो पेन है वो रह रहकर आ रहा है नाभि के नीचे, और ये आपको बहुत ज़्यादा टिंगलिंग से फीलिंग दे रहा है या चुभन जैसा फील हो रहा है या झुंझुनाहट या फिर खिंचाव जैसा, और ये रह रहकर हो रहा है, कंटिन्यू नहीं है, तो ये प्रेगनेंसी के लक्षण है दोस्तों। दूसरा सिम्टम्स होता है जो काफ़ी ज़्यादा महिलाओं में देखा गया है, मैंने ये महसूस किया है कि उनके भूख लगने की कैपेबिलिटी जो होती है जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो कम होती है, या स्पेसिफिक कुछ ऐसे फूड होते हैं जिसके प्रति बहुत ही ज़्यादा आपकी इच्छा होती है खाने की, जो कि आप पहले ऐसा फील नहीं कर रहे थे, उस चीज़ को खाने की इतनी क्रैविंग नहीं होती थी। लेकिन जब आपका PMS यानी पीरियड आने का पहले का जो चरण होता है, इसमें कई सारी महिलाओं का टेंशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वह खाना पीना भी छोड़ देती हैं, काफ़ी चिड़चिड़ी हो जाती हैं और इतनी ज़्यादा उनको गुस्सा आने लगती है, मतलब अपने आप को भी वो नुकसान पहुँचा ले, ऐसी अवस्था में पहुँच जाती हैं पीरियड आने के पहले। लेकिन ऐसा आपको प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। इसी के बाद जो नेक्स्ट लक्षण है उनमें फ्रेंड्स, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है, लेकिन ये 90% या 80% महिलाओं में ही होता है, सभी में नहीं होता। बट इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होता है, ये कुछ स्पॉट के जैसा होता है, कुछ सेकेंड्स या मिनटों के लिए ही आता है और ये आकर के रुक जाता है। लेकिन अगर आपको पीरियड्स के लक्षण हैं और पीरियड्स आने वाले हैं, तो कुछ ड्रॉप्स स्पॉटिंग आने के बाद वो फिर ज़्यादा होते हैं और फिर एक अच्छे फ्लो के साथ निकलना शुरू हो जाते हैं, ये बिल्कुल रुकता नहीं है, यानी कुछ स्पॉट्स आने के बाद रुकेगा नहीं, फ्लो बिल्कुल फ्रिक्वेंटली हो जाएगा। तो ये दो जो अंतर हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का और आपके पीरियड आने के पहले ब्लीडिंग का, इसको बहुत ध्यान से नोटिस करने की ज़रूरत होती है। और अगर फ्रेंड्स आपको स्पॉटिंग आती है और रुक रुक कर ब्लीडिंग आने की प्रॉब्लम है पीरियड के दौरान, तो एक बात का ध्यान जरूर रखें कि हो सकता है आपको एनीमिया या फिर हेमोग्लोबिन की कमी हो सकती है शरीर के अंदर, तो इसके लिए एक जाँच करवा लें और कुछ मेडिसिंस के द्वारा आपके पीरियड के फ्लो को ठीक किया जा सकता है, या अगर खून की कमी है तो उसको भी ठीक किया जा सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स, मुंह का स्वाद बदल जाना। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपके मुंह का स्वाद बदल जाता है, क्योंकि फ्रेंड
आपके कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो रिएक्शन करते हैं आपके जो जवान होती है इसके ऊपर एक लेयर होती है और ये लेयर के थ्रू आपको टेस्ट का पता चलता है जो उस समय इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं होता है कुछ टाइम के लिए और इसका टेस्ट जो है वो मेटालिक हो जाता है। तो इस वजह से कई सारी महिलाओं को जब कुछ भी खाती हैं तो अच्छा नहीं लगता है, कुछ स्पेसिफिक फूड खाती हैं तो वही चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये बेसिकली आपके जो सेंस ऑर्गन होते हैं आपका जो जवान है जो टंग है उसी की वजह से होता है। तो ये जब प्रेग्नेंट होती है महिला तो इसका टेस्ट मेटालिक हो जाता है, लेकिन जब आपको पीरियड आने वाले होते हैं तो आपके टेस्ट में कोई बदलाव नहीं महसूस होता है। आप जो कुछ भी खा पी रहे थे उसका प्रॉपर आपको टेस्ट आएगा और ये फील भी होगा। तो ये कुछ ऐसे बदलाव हैं जो पीएमएस और आपके प्रेगनेंसी को बिल्कुल अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं और ये सिम्टम्स आपको बिल्कुल बारीकी से नोटिस करना है। अगर ऐसा हो रहा है आपके संभावित पीरियड आने वाले डेट के पहले तो आप बिल्कुल आसानी से समझ सकती हैं कि इस बार पीरियड आने वाले हैं या फिर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। तो आई रियली होप अब आप ये समझ गई होंगी कि सारे बदलाव पीरियड और प्रेगनेंसी में कैसे अंतर करते हैं। अगर फिर भी आपकी कोई पर्सनल समस्या है या फिर मुझसे कुछ जानकारी जानना चाहते हैं या फिर और भी कोई प्रेगनेंसी से जुड़े हुए प्रश्न हैं या प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो इसके लिए आप मुझे पूजा घर संसार इंस्टाग्राम की आईडी पर फॉलो करिए और वहाँ पर अपने मैसेज को ड्रॉप करिए। तो इसी होप के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और आगे भी ऐसे ही उम्मीद करती हूँ आप बने रहेंगे चैनल के साथ और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज को देखने के लिए। तब तक दोस्तों अपना रखिएगा पूरा ध्यान। टेक केयर। नमस्कार।